ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से आज जयपुर में आखर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा के विस्तार पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में राजस्थानी के साहित्यकार सत्यदेव सविंत्रेंद्र ने कहा कि राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को अपना योगदान देना होगा। ये राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन माना जाता है, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए जो काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। खास बात ये भी है कि आखिर प्रोग्राम के अब तक जितने एपिसोड हुए हैं उन सब में कुछ ऐसा निकल करके आया है जो राजस्थानी भाषा के हित के लिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हम ये जानते हैं कि मातृभाषा के बगैर कोई व्यक्ति जो साहित्य में या अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। मातृभाषा, अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें भी मातृभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है और आखिर ने इसके जितने अब तक एपिसोड हुए हैं ज़्यादातर मैंने देखे हैं, वो ये एक तरह से साबित करते हैं कि हमको मातृभाषा के लिए, राजस्थानी के लिए, राजस्थान के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। ये प्रेरणा हमको आखिर कार्यक्रम देता है। आखर का जो उद्देश्य है वो यही है कि राजस्थानी भाषा, यानी कि हम कहेंगे जितनी भी लोक भाषाएं हैं वो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है और पूरा विश्व जुड़ रहा है, नई नई भाषाएं लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पीछे जो जड़ों से जुड़ी हुई चीज़ है वो धुंधली पड़ती जाती है। तो राजस्थानी भाषा और उसका साहित्य जो है वो जो धुंधला पड़ गया है उसके ऊपर से माटी हटाने का काम जो है आखर करता है। आखर एक छोटा सा प्रयास है जिनमें हम आखर में जो राजस्थानी के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं ताकि लोग जानें कि राजस्थानी में लिखा जा रहा है, वो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें हम उन्हें। और इसी तरीके से आखर जो है कि राजस्थानी भाषा को फिर से जागृत करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है।